होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रीवियस 4 लेक्चर्स में हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। ठीक है, पहले आपने फर्स्ट 1.1 में पढ़ा व्हाट इज़ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, एंड सम जो है वो हमने उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, एग्जांपल्स की। अब टुडे जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है इसमें हम क्या करेंगे बेटा, कंपोजिशन आपको पता है मिलाना। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस को मिलाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, उसने कहा है लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। हमने क्या किया है, एफ एक फंक्शन ले लिया है एक्स से वाई में, एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू जी, और जी एक अनदर फंक्शन है जो कि वाई से जी में है। तो देन कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शन इज डिफाइंड बाय एज। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स। मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा जो है वो देखते हैं। जैसे देखें, मैंने आपको फर्स्ट डे जो लेक्चर दिया था उसमें हमने फंक्शन को डिफाइन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फंक्शन जो है वो सिंपली क्या होता है कि आपके पास एक इनपुट है। ठीक है, हम f की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी इनपुट जो है वो क्या है, सेट x, और उससे हम एक आउटपुट ऑब्टेन करते हैं आफ्टर सम प्रोसेसिंग, जब हम कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये प्रोसेसिंग है, मींस फंक्शन, इससे मैंने एक आउटपुट हासिल की। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बिल्ट हो गया। ठीक है, इनपुट दी x की, सम प्रोसेसिंग की, और उसे हमें आउटपुट हासिल हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जब हम बात करते हैं कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में आपने क्या करना है, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि हम इसी से ऑनवर्ड एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारी इनपुट जो है वो ये वैल्यू होगी जो इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, और आफ्टर सम प्रोसेसिंग सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। इस फंक्शन को मैं नाम दे देती हूँ जी का। अब यहाँ पे देखें, हमारी इनपुट जो है वो एक्स है और हमारी आउटपुट क्या है, वाई। अब ये आउटपुट वाई जो है वो इस फंक्शन के लिए क्या करेगी, एज इनपुट वर्क करेगी। तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू सम जेड, अगर हम इसको सेट जेड का नाम दे दें तो इसमें हमारी आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। ठीक है, चलें इसे एक सेट की मदद से देख लेते हैं, अगर इस तरह से आपको क्लियर नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट्स हैं, दिस इज सेट एक्स एंड सेट वाई। ठीक है, इन दोनों के दरमियान मैंने एक फंक्शन बनाया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने इस फंक्शन का नाम रख दिया है एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखें ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी इनपुट वैल्यू को। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं एक्स है। ठीक है, और इसके लिए हमारी आउटपुट जो है एक्स प्लस वन वो इस सेट में है। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट हो गई। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई वैल्यू पुट करती हूँ, फोर पुट कर रही हूँ। ठीक है, जब मैंने इसमें फोर पुट किया तो फोर प्लस वन ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास प्रीवियस काम, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। अब हम बनाना चाह रहे हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब हम एक और सेट ले रहे हैं, दैट इज जी, सॉरी दैट इज़ जेड। ठीक है, अब हम y से z की तरफ एक नया फंक्शन बिल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ हमारी इनपुट x नहीं है बल्कि हमारी इनपुट क्या है, y है, और हमारी आउटपुट जो है वो क्या होगी, सम z। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी फंक्शन को डिफाइन करती हूँ g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से मुराद है, अब देखें यहाँ मेरी इनपुट क्या है, y, मतलब ये मेरी इनपुट है किसकी, इस g फंक्शन की। अब ये है x प्लस वन और फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इस x में एक्स प्लस वन पुट करूँगी तो मेरे पास जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, x प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसमें फाइव पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइव स्क्वायर।
ठीक है, इसमें अगर मैं 7 पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास बन गया है, ये एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान रिलेशन है, ये भी एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान रिलेशन था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस जेड से एक्स की तरफ एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम जेड टू एक्स। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये क्या कहलाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ, या आप इसको फिलहाल एफ ऑफ जी का नाम दे दें। मीन्स हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ, अब देखें क्योंकि जी की इनपुट जो है वो हमारे पास क्या है, जेड, इसमें हम सम वैल्यू ऑफ एक्स पुट करेंगे, या आप इसे जेड भी कह सकते हैं। तो ये किस तरह से डिनोट किया जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारी इनपुट जो है वो क्या हो जाएगी, जी ऑफ एक्स, और हमारी आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और यही हमारे पास इन दोनों फंक्शन की क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं, होपफुली आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एग्जांपल हम क्या करते हैं, आपके पास एक्सरसाइज है 1.2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स और जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, उसने आपको मुख्तलिफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, एग्जांपल की मदद से जो है वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, 2x+1, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है 3/x-1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहला जो काम हमने क्या करना है, हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें, ये हमारे पास इस तरह से राइट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारी इनपुट जो है वो एक्स नहीं है, बल्कि क्या है, जी ऑफ एक्स। ये इट्स सेल्फ इनपुट जो है वो भी क्या है, एक फंक्शन है। लाइक हमारे पास ये आ जाएगा, जी ऑफ एक्स में हम क्या पुट कर देंगे, 3/x-1। अब अगर आपने 1.1 कंप्लीट कर ली है, खुद से प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो इनपुट होती है, ये हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर कहाँ पे पुट करते हैं, एक्स की जगह पे। कहाँ पे पुट आउट होती है, एक्स की जगह पे। मीन्स हमारी इनपुट एक्स जो है वो इस फंक्शन के अंदर पुट की जाती है। ये एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने किस के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हम एफ, व्हाट इज़ एफ, 2x+1, तो 2, और एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी इनपुट दैट इज़ 3/x-1, और प्लस ये 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखिए बेटा, हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन, फर्स्ट 1.1 में आपने देखा कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास लाइक एक्स के, हमने इसमें वैल्यू पुट की लाइक 4, तो हम क्या करते हैं, 4 स्केयर। अब देखें अगर यहाँ पे x² + 5 हो, तो क्या ये इनपुट 4 में 5 में पुट करूँगी, नहीं पुट करूँगी। ये इनपुट जो है जस्ट और जस्ट x की जगह पे पुट होगी, बाकी का सारा फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो सेम हमने यही काम यहाँ पे किया है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पे जो हमारी इनपुट है वो x नहीं था, बल्कि क्या है, एक फंक्शन है, दैट इज़ जी ऑफ x। और ये फंक्शन हमने इसकी एज इनपुट पुट किया, और इस f में हमने x की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 x-1+1। सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास एलसीएम लेने से क्या बन जाएगा, 6-1 5+x। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली अब आपने सेकंड क्या करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइन करना है, मतलब अब आपने जी के अंदर एफ को पुट करना है। ठीक है, अब जी हमारे पास, एफ जो है वो हमारे पास क्या है, 2x+1, और जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है,
3 over x माइनस 1। ठीक है, अब जैसे मैंने पीछे आपको बताया, अब देखो ये वैल्यू, ये हमारी इनपुट है जो कि हमने पुट करनी है किसके अंदर, जी के अंदर। तो जब आप इसको जी के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास ये कहाँ पे पुट होगी, x की जगह पे, इस x की जगह पे। ठीक है, तो बाकी का सारा फंक्शन एज इट इज, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 और माइनस 1 एज इट इज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 ओवर 2x, ये आपका क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमने f ही इनपुट लेनी है और f आउटपुट। हम क्या कर रहे हैं, कम दो फंक्शन मिला, f क्या है हमारे पास, 2x प्लस 1। ठीक है, मैं साइड पे भी लिख रही हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखें ये इनपुट है हमारी, कहाँ पुट करनी है, f के अंदर। जब आप इसको f के अंदर पुट करेंगे तो इसमें देखें हमारे पास f के अंदर आपने इसको कहाँ पुट करना है, इस x के अंदर। ठीक है, तो इस x के अंदर जब आप इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 और साथ में आ जाएगा प्लस 1, तो 4x प्लस 2 प्लस 1 तो ये 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ f ऑफ x। लास्ट हमने क्या फाइंड करना है, g ऑफ x। ठीक है, अब मतलब आपने अब g की कंपोजिशन लेनी है विद g। अब जी में हमारी इनपुट आ जाएगी 3 ओवर x माइनस 1, ये हमने ऊपर भी जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एज सिमिलर जैसे हमने अभी ऊपर किया, उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें भी जी की वैल्यू या ये वाली इनपुट जो है वो कहाँ पे पुट आउट करेंगे, x की जगह पे। तो जी ऑफ x आपके पास क्या है, 3 ओवर x माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 3 ओवर इस x की जगह पे आपकी क्या आएगी, इनपुट, दैट इज 3 ओवर x माइनस 1 एंड माइनस 1। ऊपर 3 एज इट इज, नीचे वाले का हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम, x माइनस 1, 3 माइनस, इसके फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है तो माइनस माइनस प्लस। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1, 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ जी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इन फंक्शन की कंपोजिशंस फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपोजिशन फाइंड की एफ ऑफ जी, देन जी ऑफ एफ, देन एफ ऑफ एफ और फिर जी ऑफ जी। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी बुक पे एग्जांपल नंबर 1, 1.2 की जो एग्जांपल नंबर 1 है वो भी सेम यही काम किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेम उसी तरह से आपको एक एफ ऑफ एक्स दिया गया है और एक जी ऑफ एक्स दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे, उसी तरह से इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखें इसमें हमने जी ऑफ एक्स इनपुट पुट कर दी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये इनपुट किस के अंदर पुट होनी है, f के अंदर। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, फंक्शन का नेम कि किसके अंदर हमने काम करना है। तो ये हमारी इनपुट x है जो कि हम पुट करेंगे किस में, f के, f हमारे पास ये है, इसमें x कहाँ पे है, ये। तो बाकी का फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ओवर अंडर रूट, अब इस x की जगह पे हमारी इनपुट आएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व किया है, ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगाया, एक्स फोर प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्केयर, 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट, इन दोनों में से एक्स स्केयर कॉमन आ गया, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ जी। ठीक है, सिमिलरली हम जी ऑफ एफ फाइंड करेंगे। अब जी ऑफ एफ में देखें, एफ हमारे पास है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब हमने कहाँ पर पुट करना है इसको, जी के अंदर, और जी हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए हमने कहाँ पे पुट आउट करनी है हमारी इनपुट, इस x की जगह पे। ठीक है, तो इस x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, फिर क्या आ गया, स्क्वायर साथ प्लस 1 और फिर होल स्क्वायर। ठीक है,
स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 1/(x-1). आफ्टर दैट हमने इसका एलसीएम लिया है, 1 1 से कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ गया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, थर्डली हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारी इनपुट भी एक्स एफ है और आउटपुट भी हमने एफ से ही लेनी है। तो इसमें हमने पुट कर दिया 1/(√(x-1)। अब देखें यही चीज़ इसी के अंदर पुट करनी है, मतलब एफ के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है, 1/√(x-1)। कहाँ पुट करनी है हमने, इस एक्स के अंदर। तो सबसे पहले 1/√, और एक्स की जगह पे क्या आ गया, 1/√(x-1), और साथ क्या आ गया, -1। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया है। अब मैंने जस्ट क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ये चीज़ नीचे थी, 2 times फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन से ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई, और ये होल अंडर रूट जो है वो सारे पे आ गया। ठीक है, लास्ट हमारे पास अब क्या है, हमने क्या करना है, जी ऑफ जी फाइंड करना है। अब जी हमारे पास क्या है, एक्स के प्लस 1 होल स्केयर। तो एक्स की जगह पे हमारे पास ये पूरी इनपुट आ गई। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स के प्लस 1 होल स्केयर, फिर इसका स्केयर प्लस 1, और फिर होल स्केयर, ये 2^4 हो गई। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी जो असाइनमेंट है वो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.2, इसकी एग्जांपल नंबर 1 और साथ क्वेश्चन नंबर वन मीन्स 1 से लेकर इसके 4 के 4 पार्ट्स जो हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो होपफुली बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे, बस आप प्रैक्टिस करें। 2 days के बाद आपका एक लेक्चर होता है, तो आपने जो है वो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। परसों इंशाल्लाह जो है वो हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।